तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल टाइम और एनालॉग टाइम दोनों डिफरेंट है। जैसे कि अभी तो दोनों सही शो कर रहा है, 544 शो कर रहा है, वॉच के अंदर भी 544 शो कर रहा है डिजिटल टाइम और एनालॉग टाइम। बहुत सी कंडीशन में क्या होता है कि दोनों टाइम है ना अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ आप छेड़खानी कर देते हैं, तो ये दोनों काटे मतलब आपको डिजिटल टाइम और एनालॉग टाइम अलग अलग दिखाने लग जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेट करना है आपको डिजिटल टाइम और एनालॉग टाइम आपके पास ये वाली वॉच है जी शॉक की, ठीक है। और आप अच्छी, जैसे ये तो ओरिजिनल है, आप किसी भी अच्छी कंपनी की पायरेटेड वॉच भी खरीदते हैं जी शॉक, है ना, तो भी आप में जो मैं तरीका बताऊंगा कि उसमें भी कैसे टाइम सेट करना है, तो वो भी इससे आप इस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि कैसे करना है। तो आप सबसे पहले ये जो वाला बटन है इस साइड वाला फॉरवर्ड का, इसको दबा के रखना आपको, ठीक है। अब एक बार आपको मोड दबाना है, ठीक है। अभी इससे क्या होगा ना, ये 12 पे आने लीजिए, इसको रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। अभी 00 पे आ जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों कांटे 12 पे आ जाए तो आपको उसको रोक लेना है। कैसे रुकेंगे आप, इसको दबाएंगे आप फॉरवर्ड पे, ठीक है, फॉरवर्ड पे दबा के आप इसको रोक लेंगे, ठीक है। ये जब दोनों कांटे 12 पे आ जाए, ठीक है, उसके बाद आप दबाएंगे एडजस्ट। आप जैसे एडजस्ट दबाएंगे तो उसके बाद जैसे अभी 544 है ना, 544 हो रहे थे, तो अभी दोनों कांटे 544 पे आएंगे, तो ये श्रिंक हो रहे हैं, डिजिटल टाइम और एनालॉग टाइम दोनों एक साथ श्रिंक हो रहे हैं। अब ये देखिए, ये दोनों टाइम पे आकर रुक जाएंगे। जैसे आपका दोनों टाइम अलग अलग बता रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से जाके ठीक कर सकते हैं। क्या हो रहा है मेरे दोस्त, टाइम क्या हो रहा है, 544 545, ठीक है, तो ये आके रुक गए। अब हम दूसरा टाइम देखेंगे, टाइम क्या चल रहा है, अलार्म ट्यूसडे, ठीक है। तो 547 हो रहे हैं और आपका ये दोनों श्रिंक हो चुके हैं 543 पे। अब आपको टाइम चेंज करना है, तो मैंने जी शॉक वॉच में आपको मैंने बता रखा है कि आप टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको देखना है तो ऊपर वीडियो का आइकॉन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप टाइम, डेट्स, ईयर कैसे ना जी शॉक वॉच में आपके पास डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल हो, अच्छी क्वालिटी की आपके पास डुप्लीकेट होगी तो भी आप इसको सेट कर पाएंगे, ठीक है।